हरि ओम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। चलिए भाई, तो आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं टेंस की, और टेंस के फर्दर मतलब सिचुएशंस के हिसाब से उनको कैसे एक्सप्रेस करना है ये सब सीखेंगे, कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कैसे हमें सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं, कैसे वर्ब की फॉर्म डिसाइड होती है, कैसे स्टेट डिसाइड होती है, कैसे प्रेपोजिशन डिसाइड होती है सेंटेंस की, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, ये जो दो हमने लास्ट क्लासेस डिस्कस की हैं, ठीक है, टेंस की जो भी हमने डिस्कस किए हैं, दो क्लासेस हुई हैं अभी तक, उनको लेकर तुम लोगों का अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा? वो दोनों क्लासेस अगर देखी हैं तो उनको लेकर एक्सपीरियंस कैसा रहा, शुरू के एक दो मिनट में ये बताओ, फिर उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को हाय हेलो भैया, सभी को हाय हेलो, ठीक है। हाँ, आई हैव अ डाउट, यू हैव गॉट अ डाउट, आई हैव गॉट मैनी, बट स्टिल यू कैन आस्क, फिर भी पूछ लो, चलो कोई नहीं, अगर एक डाउट है तो पूछ लो, अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जो भी एक आधा डाउट है अपना पूछ सकते हो। राम राम भाई, गुड इवनिंग सभी को। नमस्ते सभी को। कुलदीप दुबे कैसे हो भाई, योगा वगैरह कर रहे हो, सिखा रहे हो कि नहीं? हाँ, मेरा तो लगता है इस लॉकडाउन में पेट निकल आएगा घर पे बैठे बैठे। सचिन शर्मा गाजियाबाद, अब तो डिस्ट्रिक्ट लगा लिया तो मोहल्ले का नाम भी लिख ही ले, अब तो अपने मोहल्ले का भी नाम लिख दे। ऐप में नोटिफिकेशन नहीं आता, प्लीज ये सुविधा दें ताकि क्लास का पता लगे। चलो अच्छा, नोटिफिकेशन की सुविधा देते हैं, बहुत खूब रहा सर, आई लव यू, लव यू बच्चे। मनोज रोहला मस्त रहा, बहुत अच्छा रहा। सारे डाउट्स दूर हो रहे हैं, वाई हाउ सबका आंसर मिल रहा है, चलो बढ़िया। हाँ बच्चे, वो भी डिस्कस करेंगे सितंदर आगे आने वाली क्लासेस में, बढ़िया। देखिए होता क्या, जब हम सीखते हैं ना तो हमारे सीखने के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, मतलब आप क्यों कह लें कि लेवल्स होते हैं, हर एक चीज में होते हैं। आप कोई भी चीज सीखते हो, सपोज आप साइंस सीखोगे, आप मैथ सीखोगे, आप कोई लैंग्वेज सीखोगे, आप कोई भी सब्जेक्ट सीखते हो ना, तो उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे जैसे आप उसे बढ़ते रहते हो ना, उसके लेवल्स बढ़ते रहते हैं। लेवल बढ़ने का मतलब ये होता है कि जो हमारी लर्निंग है और टीचिंग है, दैट शुड बिकम एफर्टलेस, वो एफर्टलेस हो जानी चाहिए। जब हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को सीखना, चाहे हम लैंग्वेज सीखना शुरू करें, जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं, या हम साइंस सीखना शुरू करें, या हम मैथ सीखना शुरू करें, तो जब हम किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं सीखना, देन वी हैव टू डू एफर्ट्स, हमें काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, चीज़ें जाननी पड़ती हैं, माननी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं, पूछनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं, ठीक है। मतलब जो इनिशियल स्टेजेस लर्निंग की होती है ना, वो एफर्टफुल होती हैं, आपको काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लिखना, बोलना, पढ़ना, रिवाइज करना, मानना, जानना, ये बहुत से उनमें एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा स्टेटस लेवल का, मतलब जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ लर्निंग बढ़ता है ना, तो लेवल ऑफ लर्निंग बढ़ने के साथ साथ में हमारा जो एफर्ट्स हैं वो खत्म होने चाहिए। मतलब एक अल्टीमेट स्टेज एक ऐसी स्टेज हो जाती है कि वी बिकम क्वाइट स्पॉन्टेनियस, कि हम के एकदम स्पॉन्टेनियस हो गए, हमें पहले से कुछ भी याद करके बैठने की जरूरत नहीं है, ना कोई कोचिंग, ना कोई टीचर, ना कोई किताब, ना कोई रेफरेंस, ना कोई एग्जाम्पल, ना कोई एल्यूजन, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। मतलब वी हैव बिकम सेल्फ सफिशियंट, कि हम सेल्फ सफिशियंट हो गए, हम इतने सफिशियंट हैं कि बस आप हमें क्वेश्चन दो और आंसर लो, बस बात खत्म, ठीक है। कहाँ का क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, किस पेपर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, कौन से चैप्टर का है, वो मत बताओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लर्निंग का गोल यही होता है कि हम अपने सब्जेक्ट में जो भी हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, उसमें एक ऐसे लेवल को अटेन करें, एक ऐसे लेवल को मतलब रीच करें जहाँ पे जाके एफर्ट्स खत्म हो जाएं। मतलब वी डोंट हैव टू डू एफर्ट्स, जहाँ पे हमें एफर्ट्स ना करने पड़े, हम एकदम से मतलब स्पॉन्टेनियस हो जाएं, टोटली स्पॉन्टेनियस हो जाएं, और आप हमसे क्वेश्चन पूछो और हम आपको आंसर बताएं, बस इसके अलावा और किसी चीज़ की जरूरत नहीं, ठीक है। कोई रूल, कोई कॉन्सेप्ट, और कोई बुक, और कोई ऑथर, और कोई कोचिंग, मतलब किसी चीज़ की जरूरत ना पड़े। तो ये जो हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम टेंस पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से टेंस पढ़ते हैं, तो हम टेंस को एफर्ट्स के साथ सीखते हैं, काफ़ी हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं याद करने में, मानने में, जानने में, लेकिन धीरे 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 जब हमारी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड होती जाती है, तो हम अपनी उस अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करके ना एक ऐसे लेवल पर आ सकते हैं कि जहाँ पर हमारी लर्निंग क्वाइट एफर्टलेस हो जाएगी। मतलब वहाँ पर हमें कोई एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, जो हमने बेसिक्स फंडामेंटल सीखे हैं, जो हमने बेसिक्स और फंडामेंटल्स आज तक जाने हैं, बस उन बेसिक्स और फंडामेंटल्स को यूज़ होते हुए देखना है और रियलाइज़ करना है और एक्सपीरियंस करना है, और कुछ नहीं करना है, सब कुछ अपने आप होगा।
एवरीथिंग विल हैपन ऑन इट्स ओन, हर एक चीज अपने आप होगी, हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें रियलाइज करना है, रियलाइजेशन मतलब. तो एफर्ट्स वहां पे खत्म हो जाते हैं, लर्निंग है, टीचिंग है, एफर्टलेस हो जाती है, और इट्स जस्ट द मैटर ऑफ रियलाइजेशन. आप केवल रियलाइज करते जाओ, हाँ भैया ऐसे 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 ऐसे, बात खत्म हो गई, ठीक है, कुछ नहीं करना. तो बस यही कहानी है. एनकॉम जी कर लिया बच्चे, एनकॉम में एच आई आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा, आप परचेज मत करो, प्री क्लियर हो गया, कुछ नहीं करो, अपना उन्हीं का रिवाइज करो, जो नोट्स बनाए होंगे उन नोट्स को रिवाइज करो, और जो फ्री प्रैक्टिस बैच बनाया है, जो एनकॉम प्रैक्टिस नाम से बैच बनाया ना हमने एसएक लाइव एप्लीकेशन पे, उसको अपना ज्वाइन कर लो और उसके थ्रू टच में रहना, मतलब अच्छे क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस होते रहेंगे, अब कोई ज़्यादा पैसे वगैरह खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. हाँ चलें, सिंथेसिस बनाना, चलो वो भी देख लेंगे. आई एम प्लीज टू हैव हर्ड योर सक्सेस सर, ये सेंटेंस आई एम प्लीज टू हैव, कहाँ चला गया सेंटेंस, एक मिनट. हाँ 6 बजे के बाद अब मिल रहे हैं, बढ़िया. देखो बच्चे, दैट और इफ जो होते हैं ना, ये कंजंक्शंस अलग अलग पर्पस के होते हैं. इफ होता है कंजंक्शन जब हम किसी प्रमाइस को सपोज करते हैं, अज्यूम करते हैं, अजम्पशन का, ठीक है. और दैट कंजंक्शन होता है फैक्ट का, व्हेन वी स्टेट सम फैक्ट, जब हम किसी फैक्ट को स्टेट करते हैं तो उसके लिए दैट कंजंक्शन का यूज करना है. और जब हम किसी सिचुएशन को अज्यूम करते हैं, मतलब एक प्रमाइस हमने सपोज कर लिया होता है, तो उसके लिए इफ का यूज करते हैं. चलो एक चीज बता देता हूँ छोटी सी, तुम में से कुछ बच्चों के व्हाट्सएप वगैरह पे भी कमेंट आए, और मैं देखो बता देता हूँ, कुछ बच्चों का इशू ये है कि वो जो हमने एनकॉम प्रैक्टिस बैच बनाया ना, ठीक है, तो हमने कहा था आप उसको फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस लिखना है कूपन कोड की जगह पर, मतलब ये कूपन कोड है ये, आप एक मिनट, प्रैक्टिस, हाँ आई सी, ये लिखना है और आपका ज्वाइन हो जाएगा. अच्छा कुछ बच्चों को किसी वजह से दिक्कत हुई, मुझे भी दिक्कत हुई, मैंने फर्स्ट टाइम उसको ज्वाइन किया तो मुझे भी दिक्कत हुई, ठीक है. तो एक तो मैं आपको चीज़ समझा देता हूँ, उसको बार बार ट्राई नहीं करना है, बार बार उसको नहीं करना है, मल्टीपल टाइम आप उसको ट्राई करोगे तो वो नहीं फिर कूपन काम करेगा, ठीक है. अब फिर भी इनकेस तब भी कोई इशू हो, तब भी कोई अगर आपको दिक्कत हो जाए और आप प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन नहीं कर पाओ, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, तो आप क्या करें, 8887878878, ठीक है, इस नंबर पर ना व्हाट्सअप कर दें. आपने जैसे लॉग इन किया है, ठीक है, आपने एप्लीकेशन पर लॉगिन किया है, तो जो अपनी लॉगिन डिटेल्स है ना, लॉगिन डिटेल्स का मतलब जो आपकी यूज़र आईडी है और जो आपका पासवर्ड है, मतलब जो आपने फ़ोन नंबर और जो ईमेल आईडी से लॉगिन किया है, वो जो है अपने इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे. दुरानी सर के पास ये नंबर है तो दुरानी सर आपका एक्टिव कर देंगे, ठीक है. तो इन केस मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक उसको ज्वाइन नहीं कर पाए, तो अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो हमने नया प्रैक्टिस बैच बनाया है जो सारे बच्चों के लिए फ्री है एसएक लाइव एप्लीकेशन पे, उसको नहीं ज्वाइन कर पाए किसी वजह से, मैं भी नहीं कर पाया था फर्स्ट टाइम में, पता नहीं कोई प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, ऐसी हो जाती है, ठीक है. तो मैं उनको बता रहा हूँ, उनका सॉल्यूशन ये कि आपको कोई घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी एक ही प्रैक्टिस की क्लास हुई है जो आज हमने उसमें ली थी, अगली क्लास होगी तो शेड्यूल उसमें लगा दिया जाएगा. तब तक के लिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, 8887878878 ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें अपनी लॉगिन डिटेल्स, ठीक है, अपना जो मोबाइल नंबर है जिससे आपने लॉगिन किया है एप्लीकेशन पे वो, ईमेल आईडी जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया है वो, ठीक है, नेम वगैरह अपना इस नंबर पे कर दें, और उसमें बाकायदा लिख दें कि आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन द फ्री प्रैक्टिस बैच, दैट प्रैक्टिस कूपन इज नॉट वर्किंग, ठीक है. तो आप उस पर लिख के मैसेज एक ड्रॉप कर दें, दुरानी सर आपका एक्टिव करवा देंगे, ठीक है, हम तो आपका एक्टिव हो जाएगा ऐसे, बस ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है. हाँ चलो आ जाओ चले, खैर लेट्स बिगिन द क्लास, क्लास स्टार्ट कर देते हैं जो हम लोग, ठीक है. असेक का कौन सा ऐप है, लाइव या इंग्लिश, लाइव बच्चे देखो देखो अभी तक पता नहीं तुम लोग कितने खोए रहते हो. अब असेक इंग्लिश ऐप को डाउनलोड नहीं करना, हम उस पर काम करेंगे, उसको मतलब एक तरीके से फिर से नया करेंगे, उसकी पूरी डिजाइनिंग वगैरह पे फिर से काम होगा. तब तक के लिए बस एक ही ऐप है जिस पे हम आपके साथ में इंटरेक्ट करेंगे, वो है असेक लाइव,
असेक लाइव, LIVE, ठीक है, असेक इंग्लिश ऐप जो है उस पर हमने फर्दर अब मतलब पेमेंट्स वगैरह बंद करवा दिए हैं, उस पर नए कोर्सेज कोई परचेज भी नहीं कर पाएगा, उस पर कुछ नहीं, हम उस पर फिर से काम कर रहे हैं, उसकी UI पे दोबारा से काम करेंगे, और उस पर हम थोड़े से बेटर कोर्सेज लाएंगे पहले के मुकाबले जो अभी हम काम कर रहे हैं, तो वो उस पर अवेल कराएंगे, ठीक है। चले चलो आ जाओ, अब क्लासेस स्टार्ट करते हैं कुल मिला के, ठीक है। चलिए तो आज हम टेंस का लेंगे थर्ड लेक्चर, और फर्दर सिचुएशंस को आज हम डिस्कस करेंगे, और उन फर्दर सिचुएशंस की मदद से हम ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से टेंस के कॉन्सेप्ट्स बने, ठीक है, किस तरीके से टेंस के रूल्स बने, किस तरीके से टेंस के कॉन्सेप्ट्स बने। मैं इसके बारे में एक बेसिक आइडिया है आप लोगों को फिर से याद दिलवा देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे कई बार ऐसा रहता है कि कोई बच्चा ऐसा है जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा या दूसरा लेक्चर नहीं देखा होगा, ठीक है, और वो थर्ड लेक्चर से ही हमारे साथ में हुआ होगा, ठीक है। तो उसको भी आज समझ में आया कि अगर वो हमारे साथ में लाइव है और हमें टाइम दे रहा है और हमारी बात सुन समझ रहा है यहाँ पे, तो उसको भी फायदा होना चाहिए, उसको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं टेंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले आपको बता देता हूँ, 2 मिनट मुझे लगेंगे, और उसके बाद में फिर हम अपने वही डिस्कस करना सिचुएशन शुरू कर देंगे। देखो ये हमारा टाइम लाइन है, मतलब ये हमारा टाइम का कॉन्सेप्ट है, ये टाइम लाइन है, ठीक है। इस पे एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे हमारा स्पीकर एग्जिस्ट करता है, स्पीकर का मतलब वो जो किसी सिचुएशन को बोल रहा होता है, मतलब जो सेंटेंस को बोल रहा होता है, लिख रहा होता है, जो एक्शन के बारे में बता रहा होता है, वो उसकी अपनी लोकेशन होती है टाइम लाइन पे। तो जो उसकी अपनी पोजिशन और लोकेशन टाइम लाइन पे होती है वो हमेशा एक पॉइंट होती है, और उस पॉइंट को हम प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है। उस पॉइंट के आगे जो टाइम होना होता है, जो अभी नहीं हो पाया होता है, उसे हम फ्यूचर कहते हैं, और उस पॉइंट से पहले का सारा टाइम जो होता है वो पास्ट होता है। देन स्पीकर की जो अपनी डिफॉल्ट मतलब टाइम होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस में हम स्पीकर का रेफरेंस पास्ट में मान लेते हैं या फ्यूचर में मान लेते हैं, लेकिन अभी हमने उन सिचुएशंस को डिस्कस करना शुरू नहीं किया है। अभी तक हम बस इतना डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा स्पीकर है अगर वो प्रेजेंट में है, मतलब उसकी हम डिफॉल्ट पोजीशन प्रेजेंट होती है, और हम उसको प्रेजेंट में सपोज कर लें कि जो हमारा स्पीकर है जिस एक्शन के बारे में बता रहा है वो प्रेजेंट से बता रहा है, ठीक है। तो वो जो डिफरेंट टाइप के एक्शंस होंगे, मान लो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, कौन सी हमें प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ेगी, कौन सा हमें टेंस यूज करना पड़ेगा, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं, किसी भी एक्शन को जो हुआ होता है जब हम रेफर करते हैं, ठीक है, तो उसको रेफर करने के लिए जो हमारा रेफरेंस टाइम होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है, मतलब हम ये मानते हैं कि हम प्रेजेंट से उस एक्शन के बारे में बता रहे हैं। मान लो कोई पास्ट में एक्शन हुआ ना, तो हम ये मान के चलेंगे कि हम प्रेजेंट से उसके बारे में बता रहे हैं। फ्यूचर में कोई एक्शन होगा तो भी हम ये मान के चलते हैं कि हम फ्यूचर से ही उसके बारे में बता रहे हैं। तो जो हमारा रेफरेंस टाइम होता है किसी भी इवेंट के बारे में वो हमेशा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जब हमारा रेफरेंस टाइम पास्ट हो जाता है या रेफरेंस टाइम फ्यूचर हो जाता है, उनको हम फर्दर आने वाली अभी क्लासेज में डिस्कस करेंगे। अभी हम सारी सिचुएशन वो डिस्कस कर रहे हैं जिनमें हमारा रेफरेंस टाइम जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, और प्रेजेंट से हम रिलेट करके डिफरेंट एक्शंस को डिफरेंट टेंसेज में डिफरेंट प्रिपोजिशंस की मदद से लिख रहे हैं, मतलब ये हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो मैंने सिचुएशन आप लोगों के साथ डिस्कस किए मैं उनको एक बार में फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम लोग आगे की सिचुएशन डिस्कस करेंगे। मैं चाहूंगा कि तुम लोग आंसर अपने आप बताओ, क्योंकि अगर पिछली क्लासेस, नमस्कार भाई, अगर तुम लोगों ने पिछली क्लासेस डिस्कस किए हैं, पिछली क्लासेस में साथ में रहे हो, तो तुम्हें उसके आंसर बताने चाहिए, ठीक है। देखो मैं केवल सिचुएशन बताता हूं, तुम आंसर बताना। सिचुएशन वन, ये टाइम लाइन है, ठीक है, और एक मिनट ये मिटाता हूं, ठीक है, और ये यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे हमारा स्पीकर है, यस का मतलब है स्पीकर, ये स्पीकर है, मतलब ये स्पीकर का मतलब ये पॉइंट प्रेजेंट है, इसके आगे सब फ्यूचर है, इसके बैक सब पास्ट है, ठीक है। फिर पास्ट में यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट पे एक एक्शन हुआ है ए, ठीक है, और इसी तरीके से एक पॉइंट मान लो कोई फ्यूचर में है, और उस पॉइंट पे भी एक एक्शन हुआ है बी, मतलब ये बी पॉइंट है और ए पॉइंट है, ठीक है। खैर अभी जो एक्शन हुआ है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, इनको हमें टेंस में लिखना है, डन। मैं फिर से बता देता हूं, ये जो पॉइंट है ए, मतलब ये एक्शन है ए, ये इस पॉइंट पे हुआ है, ये पॉइंट तुम देख पा रहे होगे पास्ट में, ठीक है। ये एक एक्शन है बी, ये इस पॉइंट पे हुआ है, और ये पॉइंट तुम देख पा रहे हो फ्यूचर है, उसे हम फ्यूचर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो स्पीकर के टाइम के बाद का टाइम है, इसे हम पास्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्पीकर के टाइम से पहले का टाइम है, ठीक है। और स्पीकर का जो अपना डिफॉल्ट टाइम होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है, मतलब जहां पर स्पीकर है उसको हमें प्रेजेंट मानना होता है हमेशा, और उसके बाद में हम जान जाते हैं कि उसके बाद का है तो फ्यूचर है, उससे पहले का है तो प्रेजेंट है, ठीक है।
एक्शन में फिर से बता देता हूं, जो एक्शन है वो है डू माई वर्क, एक्शन जो है वो एक्शन है डू माई वर्क, डू माई वर्क, ठीक है। तो ये जो ए एक्शन है अगर हम इसको लिखें सेंटेंसेस में तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, बस आंसर जल्दी से बता दो। अब थोड़ा सा आज क्विक रहना क्योंकि आज हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर करने हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखना है। बिल्कुल बच्चे इसके भारद्वाज, कोशिश करेंगे जरा ये टेंस के कुछ क्लासेस डिस्कस हो जाएं, फिर उसके बाद हम फंडामेंटल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। चिंता मत करो, बिगिनर्स के लिए भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जब ये स्टार्ट कर ही दिया, कम से कम एक बार एक पार्ट तो इसका कंप्लीट कर ही लें, ठीक है। हाँ थोड़ा सा क्विक रहेंगे, देखो मैं बताता हूं, ए पॉइंट पे हुए एक्शन को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। आई डिड माई वर्क, एक मिनट, पॉइंट तो लिखे नहीं इसने, 3 पीएम बता दिया। चलो मैं बता देता हूं, ये जो पॉइंट ए है ना, सपोज ये 3 पीएम है, और ये पॉइंट बी जो है ये 9 पीएम है, ठीक है, और पॉइंट ये जो एस है जो स्पीकर का अपना पॉइंट है ये 6 पीएम है, ठीक है। तो ए एक्शन को, ए पॉइंट पे हुए एक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आई डिड माई वर्क एट 3 पीएम, एक। दूसरा हम लिख सकते हैं आई वॉज डूइंग माई वर्क एट 3 पीएम, दो तरीके से लिख सकते हैं ऐसे। एक और तरीके से लिख सकते हैं, आई डिड माई वर्क 3 आवर्स अगो, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को पिछले वीडियो में मिलेंगे, जो लास्ट वीडियो फर्स्ट वीडियो होगा उसमें इनके एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। तो ये जो ए पॉइंट पे हुआ एक्शन है डू माई वर्क, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई डिड माई वर्क एट 3 पीएम, आई वॉज डूइंग माई वर्क एट 3 पीएम, ऐसे लिख सकते हैं। I did my work 3 hours ago, ये भी लिख सकते हैं। 3 hours कैसे, वो तुम समझ गए होगे, 6 - 3 = 3, ठीक है। क्या हम I was doing my work at 3 pm लिख सकते हैं, तो आंसर है नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये सिचुएशंस हो सकती हैं ए पॉइंट पे हुए एक्शन को लिखने की। अच्छा, इनमें डिफरेंसेस क्या होंगे, ये गलत क्यों हो गए, ये सही क्यों हो गए, ये हमने पहला जो वीडियो है टेंस का, टेंस पार्ट वन, ठीक है, उसमें ये समझा रखे हैं। ये रिवीजन के लिए मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। जिनको समझ में आ गए ठीक है, जिनको नहीं समझ में आए वो फर्स्ट वीडियो देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब मुझे आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। हम बहुत दिनों से घूम फिर के उतने पे बात कर जा रहे हैं बार बार, ठीक है। तो ये जो ए स्टेट के ए पॉइंट पे हुए एक्शन है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये सिचुएशन हो गई क्लियर। अब आ जाते हैं अपने एक्शन बी पे, भाई ये जो बी पॉइंट पे हुआ एक्शन है अगर हमें इसे लिखना हो तो हम देखो इसे कैसे लिखेंगे, उसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं आई विल डू माई वर्क एट 9 PM, ठीक है। दूसरा हम लिख सकते हैं आई विल बी डूइंग माई वर्क एट 9 PM, ये दोनों सही होंगे। आई विल डू माई वर्क एट 9 PM, आई विल बी डूइंग माई वर्क एट 9 PM। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, एट प्रिपरेशन पॉइंट की होती है, तो पॉइंट्स के लिए एट प्रिपरेशन का यूज क्या करो, 9 PM एक पॉइंट है टाइम का, तो हमने एट लिख दिया, ठीक है। Will do और will be doing जो है ये दोनों ही सही होंगे। इनमें डिफरेंस क्या होगा मैं एक बार समझा देता हूँ। Be doing का मतलब होगा, will be doing का मतलब होगा एक incomplete action, one time action जो incomplete है, अब will do का मतलब होगा one time event जो कि complete है उस point पे, ठीक है। एक और भी तरीका इसको लिखने का हो सकता है कि हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I will do my work in 3 hours। इन 3 आवर्स कहां से आ गया तुम समझ लेना, ये 6 PM है, ये 9 PM है, ठीक है। तो काम होने के बीच में भी 3 आवर्स का गैप है, तो उस गैप के लिए हम यहां पे प्रिपरेशन लिख देंगे इन, आई विल डू माई वर्क इन 3 आवर्स। तो ये जो बी पॉइंट पे होने वाला एक्शन है ना, इसको हम इन दो तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं, ज्यादातर बच्चों को मैंने ये रिविजन के लिखा है, ज्यादातर बच्चे जो है फर्स्ट वीडियो जो देख चुके हैं टेंस का, वो ये बातें समझ गए होंगे। अच्छा, जो नहीं समझ पाए किसी भी वजह से, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों हो गया, वो अपना फर्स्ट वीडियो आज के लेक्चर के बाद में देख लेंगे तो उनको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। खैर, तो एक ही सिचुएशन थी जो हमने डिस्कस कर ली। अब चलो मैं आगे बढ़ता हूं, सिचुएशन टू। सिचुएशन टू में देखो क्या है, ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट है जहां पे स्पीकर है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया प्रेजेंट, ठीक है। इसके आगे सब फ्यूचर हो गया, इसके बैक सब पास्ट हो गया,
अब क्या हुआ, पास्ट के किसी एक पॉइंट पे एक एक्शन हुआ, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक एक्शन हुआ, ये पॉइंट है ए, ठीक है, जो एक्शन इस पॉइंट पे हुआ वो एक्शन एक ड्यूरेशन से भी रिलेटेड है। मान लेते हैं ये पॉइंट है 3 PM और ये ड्यूरेशन जिसमें ये पॉइंट लाई कर रहा है वो है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब समझ लेना 24 आवर्स, ठीक है, एक डे जो होता है वो 24 आवर्स का होता है। उसी तरीके से यहाँ एक पॉइंट है फ्यूचर में बी, इस पॉइंट पे एक एक्शन हुआ, अच्छा वो पॉइंट पे जो एक्शन हुआ वो एक्शन इस पॉइंट के अलावा एक ड्यूरेशन से भी रिलेटेड है, ठीक है, और ये ड्यूरेशन हम मान लेते हैं टुमारो, टुमारो का मतलब भी हो गया 24 आवर्स। अब क्या करोगे, अब जो एक्शन है हम उसको केवल पॉइंट से नहीं, हम उस एक्शन को पॉइंट के साथ साथ में ड्यूरेशन से भी रिलेट करेंगे, ठीक है। फिर से देखो मैं समझा देता हूं, 3 PM एक पॉइंट है पास्ट का, और जो 3 PM है ना ये पॉइंट एक ड्यूरेशन यस्टरडे में लाई कर रहा है। यस्टरडे जो ड्यूरेशन है वो 24 आवर्स की ड्यूरेशन है, क्योंकि हमें पता है वन डे इक्वल्स 24 आवर्स। फिर यहां पे एक पॉइंट बी है फ्यूचर में, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट है 9 PM, ठीक है, स्पीकर का अपना पॉइंट है 6 PM, ठीक, अच्छा ये जो पॉइंट है फ्यूचर का 9 PM, ठीक है, ये पॉइंट लाई कर रहा है एक ड्यूरेशन में, और वो ड्यूरेशन है टुमारो, टुमारो का मतलब है 24 आवर्स, ठीक। अब हमें इन एक्शंस को लिखना है, आप देखो हम कैसे लिखेंगे, तो जो ए एक्शन है हम देखो किसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आई वॉज डूइंग माई वर्क एट 3 PM यस्टरडे, ठीक है। दूसरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई डिड माई वर्क यस्टरडे, ठीक है, हाँ आई डिड माई वर्क यस्टरडे एंड आई वॉज डू माई वर्क एट 3 PM यस्टरडे। बेटा यस्टरडे एट 3 PM मत लिखो, एट 3 PM यस्टरडे लिखो, प्रिसाइज टू जनरल के सीक्वेंस में लिखा करो। अगर हमें मल्टीपल एडवर्ब्स यूज करने पड़ जाएं एक ही टाइम के, मान लो हमें मल्टीपल एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज करने पड़ जाएं, या हमें मल्टीपल एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यूज करने पड़ जाएं, तो उनको प्रिसाइज टू जनरल के सीक्वेंस में लिखा करो, ठीक है। हाँ जो जनरल होता है वो बाद में लिखो और प्रिसाइज पहले लिखो, तो 3 PM पहले लिखो, स्टरडे बाद में लिखो, एट 3 PM स्टरडे ऐसे लिखो, ठीक है। तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है हमने कल के क्लास में डिस्कस किया था। अच्छा ये वाला पॉइंट कल हमने डिस्कस नहीं किया था, ये आज हमें डिस्कस करना है, ठीक है, कि वो जो बी पॉइंट पे हो रहा है एक्शन है अगर हमें उसे लिखना हो तो हम उसे देखो कैसे लिख सकते हैं। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई विल बी डूइंग माई वर्क एट 9 PM टुमारो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I will do my work tomorrow. ठीक है। अच्छा इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर हमने एट 3 PM स्टडे लिखा तो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख रहे हैं, या स्टडे केवल लिखा तो हम पास्ट इंडेफिनिट लिख रहे हैं, टुमारो लिखा तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट लिख रहे हैं, एट 3 PM टुमारो लिखा तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस लिख रहे हैं। ये जो डिफरेंस है ना ये हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर रखा है, मतलब जो लास्ट हमारा वीडियो है ना टेंस का चैप्टर पार्ट 2 उसमें ये डिस्कस कर रखा है। तो मान लो अगर किसी बच्चों के बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है जो पिछले क्लास में थे वो तो समझ गए होंगे, इनकेस किसी को समझ में नहीं आया तो अगला लेक्चर है ना उसको देख लेना, मतलब जो टेंस का पार्ट 2 है उसका वीडियो देखना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम वॉज डूइंग कॉन्टिन्यूस क्यों लिखते हैं और यहाँ पे इंडेफिनिट क्यों लिखते हैं, उसमें समझा रखा है डिटेल में, ठीक है। तो ये हो गई सिचुएशन 2, डन। अब आ जाते हैं चलो सिचुएशन 3 पे। ठीक है, ये हमारा स्पीकर है, स्पीकर का मतलब है मतलब प्रेजेंट, ठीक है, मान लेते हैं ये 6 PM, यहां पे एक पास्ट में एक पॉइंट है ए, मान लेते हैं ये पॉइंट है 3 PM, ठीक है। फिर उसके बाद में फ्यूचर में भी एक पॉइंट है यहाँ पर
और मान लेते हैं ये पॉइंट है बी और ये है 9 PM। चल अब यहां से साथ में होना, मतलब अब ये एक तरीके से मान लो आप फ्रेश है, हालांकि ये जो मैं पहला पार्ट बताऊंगा ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक और मान लेते हैं फ्रेश है। ठीक, परफेक्ट टेंस क्यों नहीं यूज कर रहे बेटा नसरा गल्ले? भाई थोड़ा इंतजार कर लो, ठीक है? तुम मेरे मतलब मेरे से झूठ बोलवाना चाहते हो, मैं तुम्हें झूठ बोल के कुछ गोली देके इधर उधर समझा दूं? परफेक्ट टेंस असल में देखो, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। मैंने क्या कहा था कि ये जो हम टेंस डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, ये हम जब डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे इलीट लेवल जो है टेंस, मतलब जो हमारा इंग्लिश का इलीट प्रोग्राम है ये, उसमें टेंस का इंट्रोडक्शन है, ठीक है? मतलब उसका ये फाउंडेशन है इलीट का। तो हम ये मान के चलें कि जो टेंस के बेसिक फंडामेंटल्स है ना, वो आप मेरे से बार बार बुलवाओगे नहीं, आपको पहले से पता होंगे, ठीक है? देखो फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस जो होते हैं ना, वो रिलेटिव कंप्लीशन होते हैं। उनका यूज हम हमेशा फ्यूचर के या पास्ट के किसी दूसरे एक्शन से रिलेट करके तब यूज करते हैं, इसीलिए हम परफेक्ट टेंसेज अभी पास्ट के और फ्यूचर के नहीं यूज कर पा रहे हैं, ठीक है? वो जब आप धीरे धीरे क्लास लोगे, धीरे धीरे सीखोगे तो जान जाओगे। अभी टेंस के फंडामेंटल्स में क्या बताऊं यार, लोग फंडामेंटल्स में भटके पड़े हैं। सबको लगता है किताब पढ़ ली इंग्लिश आ गई, इंग्लिश आ गई। थोड़ा माना करो चीजों को। फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट भाई मेरे रिलेटिव कंप्लीशन होते हैं। उनका यूज हम तब करते हैं जब हम अपना रेफरेंस पॉइंट प्रेजेंट ना मान के फ्यूचर या पास्ट मान लें। उस पर हम अभी आगे आएंगे, लेकिन थोड़ा तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है? सिंधी? अबे सिंधी विंधी तो नहीं हूं मैं कुछ, ठीक है? खैर अब यहां जाओ वापस, हिंदी सिंधी छोड़ो। अब मान लो देखो, यहां से सुनना। मान लो इस पॉइंट ए पे जो कि 3 PM है, एक एक्शन स्टार्ट हुआ और वो एक्शन इफेक्टिव हो पॉइंट एस पे। एस पॉइंट स्पीकर का पॉइंट है 6 PM। या फिर मान लो एक कोई एक्शन इस पॉइंट पे स्टार्ट हो स्पीकर के 6 PM पे और यहां पे इफेक्टिव हो 3 PM पे, ठीक है? तो हमें पता है कि इनमें से, ठीक है, ये वाली सिचुएशन पॉसिबल है, ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। मतलब दोनों सिचुएशन पॉसिबल नहीं, केवल एक सिचुएशन पॉसिबल है। होता क्या है, पास्ट में होके एक्शन जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड होके प्रेजेंट में आ सकता है। मतलब पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, किसी एक्शन का बिगनिंग पॉइंट पास्ट है और पास्ट से वो कैरी होके प्रेजेंट तक आ गया, दैट इज लॉजिकल, ठीक है? लेकिन प्रेजेंट से कोई एक्शन स्टार्ट होके बैक इंटू पास्ट नहीं जा सकता, मतलब वो साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि जो हम टाइम है, टाइम को हम फ्यूचर में एक्सपीरियंस करते हैं, आगे जाते हुए हम बैक में जाके एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो ये जो सिचुएशन है ना कि कोई एक्शन यहां पे स्टार्ट हुआ 3 PM पे और कैरी होके वो 6 PM पे आ गया, दैट इज लॉजिकल। लेकिन कोई एक्शन 6 PM पे स्टार्ट हो और बैक 3 PM चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये जो सिचुएशन है ये वाली, इसके लिए तो हम टेंस यूज कर सकते हैं क्योंकि वो लॉजिकल है। ये जो सिचुएशन है बैकवर्ड वाली, ये लॉजिकल है, इसमें हम कोई टेंस नहीं यूज कर सकते। तो ये जो सिचुएशन है कि 3 PM पे एक्शन स्टार्ट हुआ और 6 PM पे जिस समय स्पीकर बात कर रहा है उसके बारे में, वो इफेक्टिव है। अगर हमें इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखें? एक्शन वही है, डू माई वर्क। तो देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 3 PM। अब देखो हमने एट नहीं लिखा, 3 PM पॉइंट है, ठीक है? हाँ सर, मैं आपका ओल्ड स्टूडेंट हूं, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है बट मैं उसे यूज नहीं कर पा रहा, ठीक है? क्या करूं? इसका आंसर मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्यों नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? क्या बताऊं, बाद में बताऊंगा कभी क्यों नहीं कर पा रहे यूज, ठीक है? तो यहां पे देखो ये जो 3 PM है ना पॉइंट है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पॉइंट पे प्रीपोजिशन यूज कर रहे थे एट, लेकिन अब हम यूज कर रहे हैं यहां पे प्रीपोजिशन सिंस। तो यहां पे ध्यान रखना, एट भी प्रीपोजिशन होती है, सिंस भी प्रीपोजिशन होती है, दोनों पॉइंट की प्रीपोजिशन होती है। डिफरेंस ये होता है कि सिंस उस पॉइंट की प्रीपोजिशन होती है जहां से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ होता है, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट को अगर हमें रेफर करना है किसी एक्शन के, तो हम सिंस का यूज करते हैं। तो हमने सिंस 3 PM लिख दिया। तो एक तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 3 PM। दूसरा अगर हम देखें तो 3 PM और 6 PM के बीच में 3 आवर्स का गैप है, ड्यूरेशन है ना 3 आवर्स की। तो अगर हम चाहें तो इन दोनों पॉइंट्स को ना रेफर करके इस ड्यूरेशन को रेफर कर लें इस एक्शन के लिए, भाई ये जो एक्शन है हैव बीन डूइंग माई वर्क,
इसको हमने अभी पॉइंट से रिलेट कर दिया, एक पॉइंट जहां से एक्शन स्टार्ट हुआ, और डिफॉल्ट पॉइंट तो हमेशा रिपोर्टिंग का होता ही है जहां पे स्पीकर बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो उस पॉइंट को ना रेफर करके इस ड्यूरेशन को भी रेफर कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन के लिए हमें प्रिपरेशन लिखनी पड़ेगी फॉर 3 आवर्स। आई हैव बीन डूइंग माय वर्क सिंस 3 PM, या हम लिखेंगे इसको आई हैव बीन डूइंग माय वर्क फॉर 3 आवर्स। तो मतलब हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, आई हैव बीन डूइंग माय वर्क सिंस 3 PM या आई हैव बीन डूइंग माय वर्क फॉर 3 आवर्स, ठीक है। दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर कल हमने पढ़ा था एक तरीका इसका और भी है, आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आई हैव बीन, नहीं बीन मत लिखना, आई हैव डन, आई हैव डन माई वर्क फॉर 3 आवर्स, ठीक है। आई हैव डन माई वर्क फॉर 3 आवर्स। परफेक्ट टेंस लिखो प्रेजेंट का। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस क्यों लिखते हैं वो भी समझ लेना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज जो होते हैं ना, इनका टाइम होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट। मतलब कोई एक्शन जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक इफेक्टिव हो, तो अगर हमें उसे रेफर करना है, ठीक है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ये होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव डन माई वर्क फॉर 3 आवर्स। लेकिन अब देखने वाली बात है कि हम इसको आई हैव डन माई वर्क सिंस 3 PM भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं, आई हैव डन माई वर्क फॉर 3 आवर्स आप लिख सकते हो, लेकिन सिंस 3 PM नहीं लिख सकते। अब ऐसा क्या डिफरेंस हो गया भाई कि हम सिंस 3 PM परफेक्ट टेंस के साथ नहीं लिख पा रहे? तो मैं बता देता हूं, मैंने हालांकि हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। हाँ, आपके क्लास में नोट्स किए साथ में ऑडियो भी रिकॉर्ड की थी, सच में बहुत काम आ रही है आज ऑडियो, क्योंकि सिर्फ आपके नोट्स बना के नहीं पढ़ सकता। नहीं 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 आप नोट्स से नहीं पढ़ सकते, ये नोट्स से तो आप पढ़ ही नहीं सकते। देखो असल में दो वजह है कि आप नोट्स से नहीं पढ़ सकते। एक तो मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं, ठीक है, तो आप नोट्स में सारे एग्जाम्पल रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी वजह क्या होती है ना, हर एक बच्चा अपने नोट्स अलग अलग तरीके से बनाता है, अलग अलग तरीके से बनाते हैं, ये होता है, ठीक है। इंग्लिश भाई अमन सिंह, थैंक यू भाई, अगर तुम्हें ऐसा लगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, अगर तुम्हें लगा मैं हूं या नहीं हूं वो तो एक अलग चीज है, वो एक दीगर बात है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, ठीक है, तो उसके लिए भाई धन्यवाद, ठीक है। पेड क्लास कैसे लें समझ में नहीं आता, असेक लाइव एप्लीकेशन है, जाओ उस पर नया इनकम आई बैच बना, जाके परचेज कर लो, नहीं तो नीचे जो लाइन पे नंबर चल रहे हैं इन पे कॉन्टेक्ट कर लो, बस यही तरीके, ठीक है। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि हमने यहाँ पे परफेक्ट टेंस लिखा, तो परफेक्ट टेंस के साथ में ड्यूरेशन हमने लिख ली, पॉइंट क्यों नहीं लिख पाए, तो मैं बता देता हूँ, ये जो हम ड्यूरेशन लिखते हैं ना परफेक्ट टेंस के साथ में, ये एक्चुअल में कंप्लीट एक्शन नहीं होता, ये ऐसा एक्शन होता है जिसने 3 आवर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, टाइम कंप्लीट कर लिया, एक्शन अभी भी इफेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, सिंस के साथ हम ये काम कर नहीं सकते, क्योंकि सिंस जो है ना वो पॉइंट को रेफर करता है, और पॉइंट का कंप्लीशन हो नहीं सकता। सबको पता है कि पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस फिगर, कि पॉइंट एक ऐसा फिगर होता है जिसमें कोई लेंथ ब्रेथ हाइट डायमेंशन नहीं होती, तो हम उसका अगर कंप्लीशन शो करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में, जब उसमें लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, एरिया नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कंप्लीशन किसके रेस्पेक्ट में शो करोगे? तो अगर हम सिंस 3 PM पॉइंट लिखेंगे ना, तो हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लिखना पड़ेगा, हम परफेक्ट टेंस नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम ड्यूरेशन के साथ जरूर लिख देते हैं। अब सोचने वाली बात है, ड्यूरेशन के साथ क्यों लिख दिया? ड्यूरेशन के साथ हम इसलिए लिख देते हैं कि ड्यूरेशन मेजरेबल होती है, उसका हम कंप्लीशन शो कर सकते हैं, पॉइंट का नहीं कर सकते। देखो, जैसे 1 आवर 60 मिनट्स का होता है, तो मान लो 60 मिनट्स हो गए तो 1 आवर कंप्लीट हो गया, और 60 मिनट्स हो गए तो 1 आवर और कंप्लीट हो गया, और 60 मिनट्स हो गए तो 1 आवर और कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 3 आवर्स कंप्लीट हो गए। तो हम परफेक्ट टेंस ड्यूरेशन के साथ में लिख सकते हैं, और ये कंप्लीशन एक्शन का नहीं ड्यूरेशन का होता है, हमेशा ध्यान रखना। पॉइंट जो होता है, पॉइंट में कोई लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ होती नहीं है, तो उसमें हम कंप्लीशन किसका शो करेंगे, ये पॉसिबल होता नहीं है। तो सिंस के साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना, परफेक्ट टेंस मत लिखना। लेकिन फिर हमने कल 2 सिचुएशन डिस्कस की थी, जिनमें हमने देखा था कि सिंस के साथ भी हम परफेक्ट टेंस लिख लेते हैं। तो सिंस के साथ में हम परफेक्ट टेंस कब लिख लेते हैं? एक तो हम सिंस के साथ परफेक्ट टेंस तब लिख लेते हैं जब वो नॉन एक्शन वर्ब हो। नॉन एक्शन वर्ब्स तुम लोगों ने पढ़ी होंगी, वर्ब के फंडामेंटल्स वगैरह में पढ़ा दिया जाता है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक्शन वर्ब्स नहीं होती हैं, उनके कॉन्टिन्यूअस टेंसेज नहीं बनते, ठीक है। वो हमारी रियलाइजेशन की वर्ब होती हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस की वर्ब्स होती हैं, पजेशन की वर्ब्स होती हैं, रिलेशन की वर्ब्स होती हैं, परसेप्शन की वर्ब्स होती हैं, एक्शन की नहीं होती, तो उनके कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनते।
जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए तुम्हें बता देता हूँ, लव है, हेट है, लाइक है, फॉरगेट है, रिमेम्बर है, मीन है, डिपेंड है, एग्री है, नीड है, मीन है, ठीक है, लाइक है, सूट है, फिट है, लैक है, पजेस है, ओन है, मतलब दुनिया भर की वर्ब्स हैं। तो वो जो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं ना, उनके कॉन्टिन्यूअस टेंसेज नहीं बनते, तो उनको तो हमें परफेक्ट टेंस में ही लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। डन, एक चीज, हाँ, लॉकडाउन में बच्चों को गिफ्ट दे रहे, दे दो फ्री कोर्स देकर, हाँ, गिफ्ट दे दूं तो अब सेंटी करेगा मुझे। हाँ, बच्चे क्या गिफ्ट देंगे फिर? रिटर्न गिफ्ट तो चाहिए होगा। पहले मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सुन ले, अब फिर तेरा गिफ्ट और ये रिटर्न गिफ्ट बाद में बेटा डील करेंगे, ठीक है? तो मैं कह रहा था, देखो भुलवा दिया ससुर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सिंस के साथ में हम परफेक्ट टेंस लिख सकते हैं, लेकिन दो कंडीशन थी उनमें। एक कंडीशन ये कि जिस वर्ब को हम लिख रहे हैं उस सेंटेंस में वो वर्ब नॉन एक्शन हो। नॉन एक्शन का मतलब है कि वो वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज ही ना होती हो। वो तुम सबने पढ़ रखी होंगी कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो नॉन एक्शन होती हैं और जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होती हैं। उसके अलावा एक कंडीशन और होती है, जब हम किसी वर्ब को परफेक्ट टेंस में सिंस के साथ लिख सकते हैं अगर उस एक्शन का रिजल्ट मेंशन हो, ठीक है, अगर उसका रिजल्ट मेंशन हो। रिजल्ट मेंशन का मतलब देखो मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मैंने लिखा, आई हैव रिसीव्ड, नहीं पहले ऐसे लिख देता हूं, आई हैव बीन रिसीविंग 50 लेटर्स सिंस लास्ट वीक। अब जैसे हमने ये लिखा, आई हैव बीन रिसीविंग 50 लेटर्स सिंस लास्ट वीक, कि मैं लास्ट वीक से 50 लेटर्स रिसीव कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर इसमें मैं 50 ना लिखूं, केवल इतना लिखूं, आई हैव बीन रिसीविंग लेटर्स सिंस लास्ट वीक, कि मैं लास्ट वीक से लेटर्स रिसीव कर रहा हूं, तो ये सही है, क्योंकि लेटर्स रिसीव करना एक एक्शन है और हमने इस एक्शन को कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख दिया, क्योंकि ये एक्शन पास्ट के किसी एक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ। सिंस लास्ट वीक का मतलब पास्ट के पॉइंट पे स्टार्ट हुआ और जिस पॉइंट पे हमारा स्पीकर है उस पॉइंट तक ये इफेक्टिव है, ठीक। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो रिसीविंग लेटर्स एक एक्शन है ना, आई हैव बिन रिसीविंग लेटर्स, तो रिसीविंग लेटर्स जो एक्शन है, ध्यान से देखो इसका रिजल्ट मेंशन कर रखा है, हाउ मैनी 50। अब जो बच्चे ये ना समझ पा रहे हो कि रिजल्ट हमें कैसे पता चलता है कि ये रिजल्ट क्या है क्या नहीं है, तो मैं उनको बता देता हूं, भाई रिजल्ट का मतलब है हाउ मैनी या हाउ मच का रिप्लाई। रिजल्ट का मतलब है हाउ मैनी या हाउ मच का रिप्लाई। जैसे हाउ मेनी का रिप्लाई 50 लिखा है ना, आई हैव बीन रिसीविंग 50 लेटर्स, तो जो 50 है ना ये रिजल्ट है। अब इतना सबको पता है कि किसी भी एक्शन का रिजल्ट जो होता है, ठीक है, हाँ, अच्छा, प्यार दोगे बदले में, तो प्यार कैसे भेजोगे, व्हाट्सएप वगैरह कर दोगे कि पेटीएम से भेजोगे प्यार कि कोरियर से भेजोगे? ठीक है, एक वो देखो कह रहा है रिमूव 50। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान देना, कॉन्टेक्स्ट के साथ छेड़खानी मत किया करो, अपने एक्सप्रेशन को करेक्ट किया करो, कॉन्टेक्स्ट को मत चेंज किया करो, ठीक है, ये हमेशा ध्यान, ये बेसिक है लैंग्वेज का। मतलब आप कहना चाह रहे हो, देखो ये छोटी छोटी बेसिक्स पता नहीं बच्चों को कभी किसी ने पढ़ाई नहीं होती या इन्होंने कभी पढ़ी नहीं होती, क्या वजह होती कि ये मतलब इन चीजों पर गलतियां करते हैं। अब एक बच्चे ने इसमें कमेंट किया है, अच्छा, मेरे एक सर ने कहा है कि जीवन में एक ही इंग्लिश का अच्छा सर देखें, अंकुल सर। यार भाई सही बताऊं ना, ये लोगों का प्यार है। मैं बताऊं ना, मैं बहुत सोशल पर्सन नहीं हूं, मैं बहुत कम लोगों से मिलता जुलता उठता बैठता हूं, बहुत कम लोगों के साथ में मेरी बन बैठ पाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कोई मतलब लड़ाकू भिड़ाकू हूं, लेकिन मेरी जो जिंदगी को लेकर एक सोच है, मेरा एक जो मतलब जिंदगी जीने का नजरिया है या दर्शन है, वो लोगों के साथ में कई बार ना मैच नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, कि बजाय किसी को मेरी बात बुरी लग जाए या किसी और की मुझे बुरी लग जाए, तो मैं अकेले बैठना पसंद करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि कई बार बच्चे पढ़ने आते हैं तो बताते हैं कि उनको मेरे पास किसी इंग्लिश टीचर ने उनको मेरे पास मतलब पढ़ने के लिए भेजा। तो बहुत से ऐसे हैं टीचर्स जो पढ़ाते हैं और जब बच्चे उनसे पूछते हैं तो मेरे बारे में बता देते हैं कि भाई अच्छी इंग्लिश पढ़नी है तो अंकल सर के पास चले जाओ। क्या सोच के वो कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मन ही मन में उनको थैंक्स कहता हूँ
दो वजह से, एक तो वो मेरी मदद होती है अगर मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ने आते हैं तो फीस भी आती है, और दूसरा ये होता है कि चलो उन्होंने बच्चों को सही जगह दी, सही मतलब उसको तरीका बताया। तो बहुत से ऐसे हैं अच्छे लोग जो कि जिनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं उनके लिए कोई मदद नहीं करता, मैं उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं करता, लेकिन वो फिर भी मतलब मेरे बारे में रेफरेंस देते हैं तो है ठीक है। तो मैं कह रहा था कि हाँ, मैं एक बच्चे का कमेंट था, देखो बीच में कहाँ निकल गया उसका। लेटर नहीं हो सकता बच्चा, 50 जो होता है ना ये प्लुरल नंबर है, तो इसके साथ नाउन की प्लुरल फॉर्म ही लिखनी पड़ेगी ठीक है। हाँ, एक बच्चे ने इसमें कहा कि 50 रिमूव कर दो, भाई 50 लिखो ही मत, सही हो जाएगा ठीक। तो मैं बता देता हूं, देखो होता क्या है, कभी किसी भी सेंटेंस को सही करने के लिए ग्रामर को करेक्ट किया करो, कॉन्टेक्स्ट को नहीं। सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए दोनों बेसिस पे, सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली भी सही होना चाहिए और ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए, लेकिन करेक्शन केवल ग्रामर का किया जाता है, कॉन्टेक्स्ट का करेक्शन नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना है ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको ऐसे समझना, मान लो कोई बच्चा है ठीक है, छोटा बच्चा है और उसके पिताजी हैं, किसी पर्सन ने उससे पूछा कि जो सामने खड़े हैं भाई पर्सन ये कौन है, तो उसने कह दिया मेरी मम्मी है वो उसके एक्चुअल में पिताजी, लेकिन उसने कह दिया शी इज माई मदर। अब आप क्या करोगे, बच्चे को ये समझाओगे कि बेटा इन्हें कहेंगे ही इज माई मदर, या उसके पिताजी को हटा के मम्मी लाके खड़ी कर दोगे जिससे कि उसका जो कही गई बात है वो सही हो जाए। बात समझ में आ रहे हो? वो एक बच्चा था ना, उसने कहा कि मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासेस ली, ऑफलाइन क्लासेस ली, सब कुछ लिया, लेकिन मैं आपके तरीके से अभी समझा नहीं पा रहा या समझ नहीं पा रहा। तो इसके पीछे वजह ये होती है कि आप लैंग्वेज को उस एंगल से देखना नहीं चाहते ना जिस एंगल से मैं देखता हूं। आप केवल उतना सुनते हो जितना मैंने कह दिया, आप केवल उतना पढ़ते हो जितना मैंने पढ़ा दिया, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि हमें जो वी शुड बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस, हमें हमने जो पढ़ा है ना उससे ज्यादा हमें मतलब जितना लिखा गया ना हमें उससे ज्यादा पढ़ना आना चाहिए, जितना कहा गया हमें उससे ज्यादा सुनना आना चाहिए, तब जाके हम टीचर बन पाते हैं। तो टीचर बनने के लिए हमें एक क्वालिटी होनी चाहिए कि जितना लिखा गया है हम उससे ज्यादा पढ़ें, जितना कहा गया है हम उससे ज्यादा सुने, तब हम टीचर बन पाते हैं। तो अब मान लो कोई बच्चा है वो अपने पिताजी को कह रहा है शी इज माई मदर, तो आप उस बच्चे को ये सही करवाओगे ना कि भाई शी इज माई मदर मत कहो, कहो ही इज माई फादर, कि आप उसके पिताजी को हटा के उसकी माताजी को खड़ा कर दोगे वहां पे लाके, जिससे कि उस बच्चे का जो सेंटेंस था वो सही हो जाए। ठीक है, असेक्लेट ऑनलाइन बच्चे कभी नहीं आएगा, असेक्लेट क्लासरूम प्रोग्राम है, वो जब भी स्टार्ट होगा लॉकडाउन, चाहे 2 महीने में खत्म हो, चाहे 2 साल में खत्म हो, चाहे 50 साल में खत्म हो, हालांकि खत्म ही हो जाएगा, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते 1 महीने 2 महीने में खत्म ही हो जाएगा। असेक्लेट जब भी प्रोग्राम आएगा क्लासरूम प्रोग्राम आएगा ठीक है। हाँ, तो पता है बच्चे कॉन्टेक्स्ट चेंज मत किया करो, 50 लिखा रहने दो, 50 के अकॉर्डिंग अपनी कॉन्टेक्स्ट को सही चेंज मत करो, ग्रामर को चेंज करके सही कर लिया करो ठीक है। तो अब हमें पता है कि रिजल्ट आता है कंप्लीशन पे, कंप्लीशन के लिए परफेक्ट टेंस यूज करने पड़ते हैं, तो ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना इसको हम परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे और रिसीव लिख देंगे। तो हम सिंस के साथ परफेक्ट टेंस तब लिख सकते हैं जब तो या तो वर्ब नॉन एक्शन हो जिसका कॉन्टिन्यूअस टेंस ना बनता हो, या उस एक्शन का रिजल्ट मेंशन हो ठीक है। चलो ये खैर हमने कल भी डिस्कस कर लिया था, चलो अब आगे बढ़ते हैं इससे। देखो अब ये तो हो गई एक बात, अब मैं कहता हूं एक दूसरी बात। मान लो इस पॉइंट 6 PM पे एक एक्शन स्टार्ट हुआ और वो चला गया पॉइंट बी तक जाके खत्म हो गया ठीक है, या एक कोई एक्शन यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे आ गया वापस 6 PM पे। मैं फिर से बता देता हूं, ये जो 9 PM है ना पॉइंट, ये हमारे स्पीकर का पॉइंट है, स्पीकर का पॉइंट होने का मतलब ये प्रेजेंट है ठीक है। अब उसके बाद का एक पॉइंट है तो ऑब्वियस बात है पॉइंट फ्यूचर होगा, तो फ्यूचर का एक पॉइंट है बी जो कि है 9 PM। अब हम यहां पे एक सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं कि 6 PM जो कि एक प्रेजेंट है, यहां पे एक एक्शन स्टार्ट हुआ और कैरी होके चला गया 9 PM पे जो कि फ्यूचर का पॉइंट है, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी एक ही, एक एक्शन फ्यूचर के पॉइंट 9 PM पे स्टार्ट हुआ और कैरी होके 6 PM पे चला गया जो कि प्रेजेंट का पॉइंट है। तो अभी जैसा कि हमने उस एग्जांपल से समझा था कि नथिंग कैन गो बैक इन टाइम, कि टाइम में वापस तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये पॉसिबिलिटी तो इलॉजिकल है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, केवल ये पॉसिबल है। तो अगर ये पॉसिबल है तो अब इस एक्शन को हम किस तरीके से लिखें, मान लो कोई एक्शन प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ और फ्यूचर में चला गया किसी पॉइंट 9 PM तक, बी पॉइंट तक ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखें ये बताना है हमें। चलो बताओ आंसर,
पढ़ाई कर लो, हिले हुए सर तुम लोग, कॉपीराइट कराऊंगा मैं इन डायलॉग्स का। अबे भाई मेरे गुरुजी बहुत देहाती पर्सन थे, ठीक है, उन्होंने मुझे केवल सोचना सिखाया, समझाना सिखाया, ये जो मैं इंग्लिश तुम लोगों के साथ में पढ़ता हूँ, तुम लोगों से सिखाता हूँ, ये मेरा और मेरे गुरुजी को बिछड़े हुए हो गए करीबन 20 साल, हाँ 20 नहीं तो 18 तो हो ही गए होंगे। तो मैं और मेरे गुरुजी उनको बिछड़े हुए 18 साल हो गए, उन्होंने मुझे कभी इंटरमीडिएट वगैरह में पढ़ाया, उन्होंने केवल मुझे सोचना समझाया, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि हम पढ़ते क्यों हैं, उन्होंने हमें ये सिखाया कि पढ़ने का तरीका सही क्या होता है, उन्होंने हमें ये सिखाया कि पढ़ने और याद करने में डिफरेंस क्या होता है। तो मतलब उन्होंने केवल हमें ये सिखाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, किस रास्ते जाना है किस रास्ते नहीं जाना है, बाकी हम लोगों ने अपने आप कर लिया। तो वो टीचर गजब थे। आजकल के हम टीचर्स देखते हैं ना, उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, जबरदस्त इन्फॉर्मेशन है, ये रट्टा वो रट्टा, ये किताब, रूल नंबर 65, रूल नंबर 160, रूल नंबर 315, ठीक है, लेकिन बस जो होना चाहिए वो गायब है। खैर चलो छोड़ो। हाँ तो ये एक्शन है डू माई वर्क, उस एक्शन डू माई वर्क को अब जरा लिखो तो कैसे लिखोगे? देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं मैं तुम्हें बताता हूं, यहां पे समझना। एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई विल बी डूइंग माई वर्क, ठीक है। अब यहां पे देखो ध्यान से समझना, ये जो पॉइंट था ना, ये एक्शन स्टार्ट होके स्टार्ट हुआ यहां से आगे चला गया, तो इसके लिए हमने प्रिपोजिशन यूज की थी सिंस। तो सिंस प्रिपोजिशन जो होते हैं ना, ये टाइम के उस पॉइंट को रेफर करते हैं जहां से एक्शन का ओरिजिन हुआ होता है, जहां से एक्शन स्टार्ट हुआ होता है, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट हमने बी लिखा है ना, ध्यान से देखो, ये वो पॉइंट है जहां पे जाके एक्शन खत्म हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मतलब यहां से एक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, तो हम इसके लिए सेंस नहीं यूज कर सकते, इसके लिए हम यूज करेंगे बाई। तो हम लिखेंगे आई विल बी डूइंग माई वर्क बाई, विल बी डूइंग लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लिखेंगे आई विल डू माई वर्क बाई 9 PM, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, हम इसे ऐसे लिखेंगे, देखो मैं इधर पढ़ा रहा हूं, वो एक दो बच्चे व्हाट्सएप पे, सर ये ऐसे की लीड क्या है, ऐसे की लीड क्या है, मतलब इतने ढीठ हैं, मैं पढ़ा रहा हूं इधर की और वो पूछ रहे हैं किधर की, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे आई विल डू माई वर्क बाई 9 PM, ठीक है। अब देखो ये जो बाई 9 PM होता है ना और सिंस 9 PM होता है, इनमें डिफरेंस समझ लेना। जैसे अगर हमने सिंस लिखा प्रिपोजिशन, मान लो हमने लिखा सिंस 9 PM और हमने लिखा बाई 9 PM, दोनों दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंस का मतलब ये वो पॉइंट है जहां से एक्शन स्टार्ट हुआ और आगे चला गया, ठीक है। बाई 9 PM का मतलब ये कि कोई एक्शन स्टार्ट होके आया, 9 PM पे खत्म हो गया। तो बाई जो है ये प्रिपोजिशन है डेड एंड की, जहां पे जाके एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और सिंस जो प्रेपोजिशन है वो उस एक्शन की प्रेपोजिशन है जहां से एक्शन स्टार्ट हुआ। मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करूंगा, आप बाई के बजाय ना टिल लिखना, बाई में टिल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं अगली क्लास में समझा दूंगा, लेकिन आप अभी टिल लिखना, टिल 9 PM। तो अगर कोई एक्शन किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और आगे चला गया तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ सिंस, लेकिन अगर कोई एक्शन कहीं से स्टार्ट हो गया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हुआ तो उस पॉइंट के लिए लिखना टिल 9 PM। तो हम इसे लिखेंगे आई विल डू माई वर्क टिल 9 PM, ठीक है। अच्छा दूसरा कैसे लिख सकते हैं? दूसरा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आई विल डू माई वर्क फॉर, जैसे ये 6 PM है और ये 9 PM है, 3 आवर्स, तो 3 आवर्स। तो हम दोनों ही हालत में इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे, चाहे हम ड्यूरेशन लिखें फॉर 3 आवर्स या हम ये लिखें टिल 9 PM। अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब एक्शन पास्ट से स्टार्ट होकर प्रेजेंट तक आया था तब तो हमने लिखे थे परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, अब जब एक्शन प्रेजेंट से स्टार्ट होकर फ्यूचर में जा रहा है तो हम परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस क्यों नहीं लिख रहे, ठीक है। तो हमें यह समझना है कि, हाँ देखो एक बच्चे ने लिखा ना आई विल हैव डन माई वर्क बाई 9 PM, ठीक है, बाई मत लिखो बच्चे, असल में वो बाई गलती से निकल गया था मेरे मुंह से, वो लिख गया
बाई में टिल में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, वो मैं आपके साथ कल की क्लास में या अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, तो डिटेल में समझा दूंगा। अभी बाई मत लिखो, टिल लिखो, मान जाओ अभी अभी थोड़ी देर के लिए मान जाओ टिल लिखना, बाकी बाई और टिल के डिफरेंसेस फिर मैं समझाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है। ठीक है, हाँ। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि हमने यहां पर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों नहीं लिखा। अब मैं आता हूं अपने काम की बात पे। जब हम परफेक्ट टेंस लिखते हैं या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं, तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखने का मतलब यह होता है कि कोई एक्शन किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और जहां पर स्पीकर है उस पॉइंट तक वो इफेक्टिव है। हम परफेक्ट टेंस तभी लिख सकते हैं। परफेक्ट टेंस का मतलब कंप्लीशन होता है। कंप्लीशन का मतलब होता है एक्शन हुआ किसी पॉइंट पर स्टार्ट लेकिन कंप्लीट हुआ वहां पर जहां पर स्पीकर है। तो जब हम परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक्शन कहीं और स्टार्ट होके फ्यूचर जहां पे हमारा स्पीकर है वहां पे आके कंप्लीट हुआ। अब ऐसा तब हो सकता है जब एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो और वो स्पीकर के पॉइंट पे खत्म हो, क्योंकि स्पीकर का अपना पॉइंट हमेशा प्रेजेंट होता है। अगर एक्शन पास्ट में स्टार्ट होगा ना तो वो प्रेजेंट में खत्म होगा, लेकिन अगर एक्शन प्रेजेंट में स्टार्ट होगा फ्यूचर में खत्म होगा, तो स्पीकर की अपनी पोजीशन प्रेजेंट होती है फ्यूचर नहीं होती। तो फ्यूचर में जहां पे वो एक्शन स्टार्ट खत्म होगा ना वहां पे स्पीकर उसे एक्सपीरियंस करने के लिए खुद नहीं होगा, इसीलिए से वो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज कर पाएगा, इंडेफिनिट टेंस यूज करना पड़ेगा। फिर फ्यूचर परफेक्ट कब बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब बनेगा जब ऐसे नहीं बन पाएगा, तो उसको मैं समझाऊंगा। वो शुरू में एक नसरा गैलरी बच्चा है ना, उसने जो क्वेश्चन पूछा था उसका यही क्वेश्चन था, उसका क्वेश्चन यही था कि हमने परफेक्ट टेंस क्यों नहीं यूज करें। तो अब मैं आगे आपको समझाऊंगा कि हमने परफेक्ट टेंस क्यों नहीं यूज कर रहे या फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा कि हम हर एक एक्शन की बात प्रेजेंट से नहीं करते। कई बार हम रेफरेंस पास्ट और फ्यूचर को मान लेते हैं, तब जब हम किन्हीं दूसरे एक्शन की बात करते हैं तो हम फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंसेस का यूज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर हम प्रेजेंट से बात करेंगे किसी ऐसे एक्शन की जो प्रेजेंट से स्टार्ट होकर फ्यूचर में खत्म हो रहा है, तो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही यूज करना पड़ेगा। फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना कि हम परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज तभी करते हैं जब स्पीकर के पास आके वो एक्शन खत्म हो। ठीक है, क्योंकि जब स्पीकर के पास आके वो एक्शन खत्म होगा तभी स्पीकर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर पाएगा। लेकिन जब कोई एक्शन प्रेजेंट में होता है और वो जाके फ्यूचर में खत्म होता है, तो फ्यूचर में वहां पे स्पीकर खुद नहीं होता है जो उस एक्शन को एक्सपीरियंस कर पाए, तो इसीलिए जो एक्शन प्रेजेंट में स्टार्ट होकर फ्यूचर में जाके खत्म होते हैं, हम उनके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर सकते। उनके लिए हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना पड़ेगा। अगर हमें फ्यूचर के उस पॉइंट को लिखना है जहां पे जाके वो एक्शन खत्म होगा जो प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है, तो हम टिल प्रीपोजिशन का यूज कर लेंगे। अगर हमें ड्यूरेशन को रेफर करना है तो हम फॉर का यूज कर लेंगे। ठीक है, मान लो ये प्रेजेंट का पॉइंट है 6 PM, यहाँ पे एक्शन स्टार्ट हुआ, 9 PM फ्यूचर पे जाके खत्म हो गया, तो इस एक्शन को लिखने के लिए हमें इस तरीके से सेंटेंस लिखना पड़ेगा, आई विल डू माई वर्क टिल 9 PM या आई विल डू माई वर्क फॉर 3 आवर्स। डन। चलो अब एक और सिचुएशन देखो। ये एक पॉइंट है स्पीकर का, स्पीकर का मतलब है ये प्रेजेंट है। ठीक है, और ये है 6 PM। यहां एक पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, पास्ट का पॉइंट है, और मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया 3 PM। फिर एक पॉइंट है यहां, मान लेते हैं ये पॉइंट है बी, ठीक है, फ्यूचर का पॉइंट है, और मान लेते हैं ये पॉइंट है 9 PM। ठीक, अब देखो यहां पे क्या हुआ, एक एक्शन स्टार्ट हुआ 3 PM पे जो प्रेजेंट तक इफेक्टिव है, और फिर वो कंटिन्यू होके चला गया फ्यूचर में भी इफेक्टिव रहेगा 9 PM तक। डन। फिर से देखो मैं समझा देता हूं, ये सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, इसको लिख दो सिचुएशन 4। एक एक्शन पास्ट के किसी पॉइंट पे स्टार्ट हुआ और जो प्रेजेंट से होता हुआ फ्यूचर के एक पॉइंट 9 PM पे जाके खत्म होगा। अब इसे लिखो, बेटा अमन, तू अमन सिंह पहले मेरी बात सुन ले, दुनिया भर की बातें सब सुन लियो, ठीक है, हाँ, पहले यहाँ पे सीख लो जो मैं सिखा रहा हूँ, फिर पूछना बहुत कम पड़ेगा। तो मैं देखो फिर से एक बार समझा देता हूँ, ये हमारी फोर्थ सिचुएशन है, ये फ्रेश सिचुएशन है, मतलब एक नई सिचुएशन है, नॉवल सिचुएशन है, इससे पहले हमने सिचुएशन को डिस्कस नहीं किया। ठीक है, कि अगर ये सिचुएशन हो तो हम कौन सा टेंस यूज करें, कौन सी प्रेपोजिशन यूज करें, अब ये हमें सीखना है। मैं देखो समझा देता हूँ, ये एक पॉइंट है जहाँ पे स्पीकर है, स्पीकर का मतलब वो पॉइंट है प्रेजेंट, जहां पे भी स्पीकर होता है वो पॉइंट प्रेजेंट होता है, और ये प्रेजेंट पॉइंट है 9 PM, 6 PM सॉरी। पास्ट का एक पॉइंट है ए,
जो कि 3 PM है, यहाँ पे एक एक्शन स्टार्ट हुआ, वो एक्शन स्पीकर के पास आके खत्म नहीं हुआ, वो स्पीकर से होता हुआ, मतलब प्रेजेंट से होता हुआ वो एक्शन जाएगा फ्यूचर के एक पॉइंट बी तक, जो फ्यूचर का पॉइंट बी है वो है 9 PM। अब हम इस एक्शन को जो यहां 3 PM पे स्टार्ट होकर 9 PM तक जा रहा है, ठीक है, और जो 6 आवर्स की ड्यूरेशन कवर कर रहा है, इसको अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखें? एक्शन वही है डू माई वर्क, एक्शन वही है डू माई वर्क। अब हम इसे कैसे लिखें बस ये बता दो, टेंस लिखो, ये मतलब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, इस सिचुएशन को अगर तुम्हें लिखना हो तुम कैसे लिखोगे? विल डू इमेजिनेशन नहीं बच्चे, प्रोबेबिलिटी होती है, इमेजिनेशन और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस होता है। अब देखो मैं आपको बताता हूं इसकी एक सीधी सी बात समझना। अब हम देख रहे हैं ये जो हमारा सेंटेंस है ना, ठीक है, इसका एक पार्ट पास्ट में भी है, एक पार्ट फ्यूचर में भी है। अब हम दोनों टाइम एक साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब हम इन दोनों पॉइंट्स को, दोनों टाइम्स को एक साथ में ले नहीं सकते, मतलब ये जो एक्शन है पास्ट का और ये जो एक्शन है फ्यूचर का, मतलब ये एक्शन पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है। तो अगर हम चाहें कि एक सेंटेंस लिखें और इस सेंटेंस में ये इन दोनों ही टाइम को मेंशन कर दें, जो पास्ट का है वो भी, जो दोनों फ्यूचर का है वो भी, तो मैं आपको बता दूं ऐसा हो नहीं सकता। आप सिंगल सेंटेंस में पास्ट और फ्यूचर को सिंगल इवेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, मतलब एक सिंगल इवेंट है, एक सिंगल एक्शन है, उस सिंगल एक्शन को आप पास्ट से और फ्यूचर से दोनों से रिलेट नहीं कर सकते। चाहो तो इसे रूल कह दो और नहीं तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि ये लॉजिकल है। जैसे जब हम देखते हैं ना, मतलब हम जब देखते हैं तो या तो हम लेफ्ट देखेंगे या हम राइट देखेंगे, हालांकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें लगता है दोनों साइड से देख लेते हैं, एक आंख से लेफ्ट देख लेते हैं एक से राइट देख लेते हैं, लेकिन हम जब देखते हैं तो हम एक ही एस्पेक्ट देख पाते हैं, दूसरा एस्पेक्ट देख नहीं पाते, तो हम दोनों चीजों को एक साथ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कि हम पास्ट और फ्यूचर दोनों को एक ही सिंगल एक्शन के लिए टाइम को यूज कर लें। ये हमेशा ध्यान रखना है, सिंगल एक्शन के लिए पास्ट और फ्यूचर दोनों के टाइम नहीं यूज हो सकते, या तो आप पास्ट से रिलेट करके उसे बोलो या फ्यूचर से रिलेट करके बोलो, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज क्या होती है, जब आप पास्ट और फ्यूचर को एक ही एक्शन से रिलेट कर दोगे ना तो पास्ट और फ्यूचर हो जाएंगे न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल टेंस इंग्लिश में होता है प्रेजेंट, मतलब थोड़ा सा ये तुम्हें अजीब लगेगा सुन के लेकिन सच्चाई यही है, इसको जो मैं कह रहा हूं सुन के समझने की कोशिश करना, ठीक है। मान लो कोई एक सिंगल एक्शन है, सिंगल एक्शन है, ठीक है, और उस एक्शन का टाइम जो है पास्ट भी है और प्रेजेंट फ्यूचर भी है, उस एक्शन में पास्ट और फ्यूचर दोनों इन्वॉल्व हैं, तो हम सिंगल एक्शन के लिए पास्ट और फ्यूचर दोनों का यूज नहीं हो सकते, वो दोनों हो जाएंगे कैंसिल और हमें वहां पे लिखना पड़ेगा टाइम प्रेजेंट, ठीक है, तो फिर हम वहां पे प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखना पास्ट और फ्यूचर जब एक साथ होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं और उनकी जगह जो टाइम यूज किया जाता है वो हो जाता है प्रेजेंट, प्रेजेंट न्यूट्रल टेंस होता है, पास्ट और फ्यूचर को न्यूट्रल, मतलब एक साथ क्लैश कर जाते हैं पास्ट और फ्यूचर, फिर उनकी जगह एक नया टेंस आ जाता है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट। तो हम इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं मैं समझाता हूं। एक तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है, बस खत्म, आई एम डूइंग माई वर्क, खत्म, ना पास्ट मेंशन करो ना फ्यूचर मेंशन करो, ठीक है, आई एम डूइंग माई वर्क लिख दो। थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हो तो एट प्रेजेंट लिख दो, एट द मोमेंट लिख दो। तो जब हम आई एम डूइंग माई वर्क लिखेंगे ना तो इससे क्लियर हो जाएगा कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा, फ्यूचर में भी चला जाएगा और प्रेजेंट में इफेक्टिव है, तो हम इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी का मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया इसको मेंशन करने का कि अगर कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो और फ्यूचर में भी चला जाए प्रेजेंट से होता हुआ, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखो, ना पास्ट का टाइम लिखो ना फ्यूचर का टाइम लिखो, ठीक है। अच्छा, अदरवाइज अगर हमें पास्ट और फ्यूचर के पॉइंट लिखने ही हो तब हम क्या करें, तो मैं बताता हूं इसको क्या करो। तो इसको दो पार्ट मान लो, एक्शन तो ये एक ही है जो 3 PM टू 9 PM कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हम इसके दो पार्ट मान लेते हैं। ये हो जाएगा एक पार्ट वन, P1 का मतलब पार्ट वन, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक, और ये हो जाएगा P2, प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक। इन दोनों में से किसी एक पार्ट को रेफर करो फिर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे,
अगर हमें प्रेजेंट और पास्ट के फ्यूचर को सेंटेंस में रेफर करना ही हो, उसको लिखना ही हो, उसको मेंशन करना ही हो, तो हम इस सेंटेंस को दो पार्ट में एज्यूम कर लेंगे, एक प्रेजेंट से पास्ट का या पास्ट से प्रेजेंट का और एक प्रेजेंट से फ्यूचर का। पास्ट से प्रेजेंट का हो गया पी वन, पार्ट वन हो गया, और यहां से वहां तक हो गया पी टू, ठीक है, प्रेजेंट से फ्यूचर हो गया। अब फिर हम इनको इस तरीके से मेंशन करेंगे। तो ये जो पी वन है, पार्ट वन है, इसको हम देखो कैसे लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 3 PM या फॉर 3 आवर्स, ऐसे, ठीक है। अच्छा, जो पी टू है उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे आई विल डू माई वर्क टिल 9 PM और फॉर 3 आवर्स। मतलब इससे पहले जो दो सिचुएशन डिस्कस की थी ना, फिर वही हमें यूज करनी पड़ेंगे अल्टीमेटली। तो ये इसका एक्सप्रेशन होगा। तो ये जो सिचुएशन फोर है, इसको हम इन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम इस पूरे होल सिचुएशन को रेफर करेंगे, ठीक है, तब तो हमें यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ना हम पास्ट का टाइम लिख पाएंगे, ना हम फ्यूचर का टाइम लिख पाएंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख देंगे, आई एम डूइंग माई वर्क एट प्रेजेंट, बात खत्म हो गई, ठीक है। पास्ट भी कैंसिल हो गया और फ्यूचर भी कैंसिल हो गया, हम उन दोनों में से किसी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर अगर आप पास्ट और फ्यूचर के पॉइंट को इंसिस्ट करो कि नहीं भाई, हमें तो लिखना ही लिखना है, पास्ट का पॉइंट है, फ्यूचर का पॉइंट हमें जरूर लिखना है, तो आपको इस एक्शन को दो पार्ट में एज्यूम करना पड़ेगा। एक जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक का पार्ट है, पार्ट वन, और एक जो प्रेजेंट से फ्यूचर तक का पॉइंट है, पार्ट टू। अब फिर आपको इस एक्शन को लिखने के लिए पार्ट वन और पार्ट टू का यूज करना पड़ेगा। पार्ट वन जो है पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा आई हैव बीन डूइंग माय वर्क सिंस 3 PM या आई हैव बीन डूइंग माय वर्क फॉर 3 आवर्स। पार्ट टू जो है प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर का, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा आई विल डू माई वर्क टिल 9 PM या आई विल डू माई वर्क फॉर 3 आवर्स। मतलब सिचुएशन फोर को डिस्कस करने के लिए या सिचुएशन फोर को लिखने के लिए हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं, इनमें से किसी एक ऑप्शन का हमें यूज करना पड़ेगा। चलो, तो 1 आवर हो गया, आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, और अगली क्लास जो भी हम रखेंगे टेंस की, वो थोड़ी सी रखेंगे बड़ी बड़ी क्लास, का मतलब 1.5 आवर्स या 2 आवर्स की क्लास रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। 2 घंटे की या 2.5 घंटे की क्लास रखेंगे, बड़ी क्लास रखेंगे। तब तक मैं चाहूँगा, अगर कोई नया बच्चा भी है यहाँ पर, अच्छा ये नहीं मैंने बताया कि सेंटेंस सोचने के लिए मैं इंग्लिश में सोचता हूँ या हिंदी में, सेंटेंस लिखने के लिए हिंदी में सोचता हूँ या इंग्लिश में, तो ये बताऊँगा। रिपोर्टिंग वर्ब बच्चे अगर पास्ट में फ्यूचर, देखो अभी हम आगे कुछ सिचुएशंस डिस्कस करेंगे जिनमें हमारा रेफरेंस टाइम जो है ना वो पास्ट होगा या फ्यूचर होगा। अभी तक जितनी हमने सिचुएशन डिस्कस की उन सारी सिचुएशन में हमारा जो स्पीकर का पॉइंट है वो प्रेजेंट है। अब हम आगे आने वाली क्लासेज में कुछ ऐसी सिचुएशंस भी डिस्कस करेंगे जिनमें हमारा स्पीकर पास्ट में या फ्यूचर में पहुंच जाएगा, फिर वहां से वो दूसरे एक्शन को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम तो आई हैव रेड अ स्टोरी सिंस 9 AM इज करेक्ट, दैट्स नॉट करेक्ट बच्चे, सारी कहानी सुनने के बाद में भी पूछ रहे हो, वो सही नहीं है। आई हैव बीन रीडिंग लिखो, आई हैव बीन रीडिंग। तो अब एक काम करते हैं, बहुत अच्छा टाइम भी था तुम लोगों के साथ में, बाय करने का टाइम आ गया और मुझे लग रहा है इट इज अबाउट 10:05। तो अब हम चलते हैं और नेक्स्ट क्लास जल्दी शेड्यूल करेंगे, तो उसमें मिलेंगे, बाकी बातें वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई बात और पूछनी होती है, बात कोई करनी होती है, तो ये जो स्क्रीन पे हमने नीचे भी नया फीचर हमने यूज़ किया है आजकल अपना एनकोडर में, ठीक है, कि नीचे तुम लोगों को नंबर दिखते रहते होंगे, कॉन्टैक्ट, व्हाट्सअप, दिस नंबर, दैट नंबर, इन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मतलब कुछ भी जानना पूछना है तो उसके लिए, ठीक है। और बाकी तो जब क्लास में मिलेंगे अगली क्लास में तो ज़्यादा बातें कर लेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स, बहुत अच्छा टाइम बीता तुम सभी के साथ में, बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट, टेक केयर।